हमें लगता है इस मार्ग में दैवी शक्ति की जो प्राप्ति हुई उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, हमारे परिवार में जो कष्ट था उस कष्ट के प्रति सारे दैवत मानने के बाद भी जब हमें शांति नहीं मिली, हमें ऐसा लगा इतने दैवत मानने के बाद भी एक साधारण भावना जब इतनी बड़ी हेवी होती है और मनुष्य को जर्जर कराती है और कष्ट देती है, इसलिए संसार में ऐसी कौन शक्ति है यही देखने के इच्छुक थे। और ऐसा भगवान ने योग दिया और उस योग से एक व्यक्ति आया और उसने मंत्र दिया और उस मंत्र से हमने साधना की। लेकिन साधने के पीछे एक ही उद्देश्य था, भगवान हम तेरे शरण में मर चुके, तो मर चुके इसलिए हमें किसी प्रकार का भय नहीं लगा और हमारी साधना एक आसानी से सफल हुई। तो उस समय सिर्फ अकेले हनुमान जी की सेवा की और हनुमान जी ने सारे दैवतों का परिचय दिया। तो उसके बाद में हमने ये देखा कि जो भी लोग भावना लेकर आए वो अपना शरीर लाते थे और वो अपना नाम बोलते थे कि मैं ये हूं वो हूं। तो हमने कहा ये हनुमान जी इतना आसक्त है जो एक शैतान को नहीं भगा सकता। ये परेशानी हमारे सामने जब आई तो हमने इसके लिए बहुत बड़ा त्याग किए। एक भाई ने खुद का मांस खा गई भावना के वश में जाकर, खुद का मांस खा गई, वो खड़ोस खड़ोस के खा गई। हमने ये इतनी बड़ी शक्तिशाली भावना है और एक हनुमान जी है तभी इस बच्चे के कष्ट दूर नहीं कर पाते, हमें बहुत पश्चाताप हुआ और हमने उस भाई से ये सबक सीखा। बयालीस दिन होम जलाने के बाद भी उस 43 दिन जब भाई घर आई सवेरे, वो घूमने लगी। हमने मंत्र की फूक मारा, खुली हो गई, फिर गई और फिर आई, फिर गई फिर आई। तो सुबह 6 लेकर तो शाम के 6 तक भाई आते रहे और हमने फूक मारते जाना, भोजन नहीं, नहाना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब ये भी कष्ट बढ़ गया तो किष्ट कितना, ये कष्टमय जीवन है, इतना सादा जीवन नहीं है। यह कृपा एक बहुत कष्ट से पाई मैंने। हमारे पीछे के लोग जो चले गए उन्होंने किसी प्रकार की भावना तैयार की, भय तैयार किया और वो हमसे बिछड़ गए। नहीं तो इतने जल्दी जाने वाली नहीं थी वो, और सिर्फ मैं आगे जाने वाला था। लेकिन कुछ सेवकों ने विनती किया, जब मेरे ऊपर समय आया तो मैंने सेवकों से विनती किया कि देखो अब मैं जी नहीं सकता, मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया कि मैं नहीं जी सकता। तो कुछ सेवकों ने भगवान से विनती की, तो बाबा से कहा कि बाबा हमें बैठक लेना है, और उस बैठक में हम भगवान से विनती करेंगे कि नहीं बाबा की हमें जरूरत है, बाबा को भी
हम छोड़ नहीं सकते। कुछ वर्ष बाबा का हमें साथ मिले, वो सिर्फ अकेला का सवाल किया, जी दोनों का सवाल करते तो दोनों हम खड़े रहते। सवाल व्यक्तिगत हुआ क्यों जी? और यह मार्ग परिवार के लिए है, परिवार सहित है, व्यक्तिगत मार्ग नहीं। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन था व्यक्तिगत था, अब व्यक्ति अच्छा हो गया और शक्ति पीछे की चलेगी नहीं। ठीक है, जो भी हुआ हमें तो आनंद मान लेना है, क्योंकि हमें मालूम है हम दो ही दो व्यक्ति घर में हैं। एक दिन चाहे उस पर समस्या है अकेलेपन की, या हम पे समस्या है अकेलेपन की। तो जब हमने बच्चे को भेजा तभी हमने अपना निर्णय ले चुका था कि एक दिन तो समय शाम पर आएगा जब हम अकेले रहेंगे या पीछे के लोग अकेले रहेंगे। कब तक ही उससे बहुत सारा सबक हमने सीखा, और औरों का कष्ट दूर करने का जो हमने त्याग किया, उस त्याग से हमने औरों को शांति पुराई। तो यदि दैवी शक्ति हमारे पास नहीं होती तो हम औरों को शांति नहीं पुरा पाते। लेकिन दैवी शक्ति साथ में है, जैसे कि अभी क्वेश्चन खड़ा हो गया, एक सेवक ने कहा कि आम की आई नहीं कार्बन है तो आम चियाई तो आ है। हा क्वेश्चन बरोबर नहीं वाटला मला, कारण की ही वस्तु मी पाहत नहीं। जी दैवी शक्ति है ती अदृश्य है, ती कोणाला दिसणार नहीं, कभी पाहणार नहीं, कोणी पाहणार नहीं, आणि कोणी पाहू शकणार नहीं, आणि मी नहीं पाहली नहीं। माझे एक आत्मविश्वास आत्मबल दैवी शक्तीच्या गुणावरून माझ्यामध्ये हे तयार झालं, आत्मशक्ती बल। दैवी शक्तीची प्राप्ती केली, त्याचे गुण पाहले आणि गुणावरून माझं आत्मशक्तीबल वाढलं, आणि तोच बळ अनेकाच्या उपयोगी पडलं, अनेकाच्या कामी पडलं। मी कोणालाच देव दाखवू शकलो नाही, पाव दाखवलं का? हा देव आहे, मी देव नाही दाखवला, पण देवाचे लक्षण मला माहीत होते आणि आमची माणसाचे लक्षण मला माहीत होते की आम्ही पहिले जुने लोक, आम्ही भावनेचे आहारी होतो, आमच्या मागे भूत पलित होते, त्याच्या मागे काय नाही तर आम्ही वाटतं तेवढा पैसा बर्बाद केला, हे सगळं आम्हाला माहीत होतं। तर आपल्या आम्ही सर्वांना ओळखलं की सगळे असे त्यात बेटे फसले नाही, सगळे असे फसले आहेत। तर आपल्याला भगवंतांनी जन्माला टाकलं, फासाच टाकलं त्यांनी। मी तो असं गृहीत धरतो की ज्या दिवशी या धरतेला जन्म झाला त्या दिवशी आम्ही फाशात पडलो, आता फाशात पडलो। दैवी शक्ती पाहतो तेव्हा आम्हाला वाटते की आम्ही फाशात पडलो, जरी दैवी शक्ती मदत करते पण आम्ही फाशात आहो। जोपर्यंत आमचं मुक्ती आणि दैवी शक्तीत विलीन होत नाही तोपर्यंत आमची खरी मुक्ती नाही। अरे हा लक्ष माझा आहे, पण सेवकांचा हा लक्ष नव्हता। आमचा लक्ष पहिले जसा होता की आमच्या मागे शैतान आहे, भूत आहे, अमकाय डमकाय, तसं येणाऱ्याच्याही मागे हाच लक्ष होता नाही? आज येतील त्यांच्याही मागे हाच लक्ष आहे। तर माझा आज एक परमेश्वर कार्य उद्या आहे,
आज सर्वे एकत्र आपण जमलो आणि या ठिकाणी बाबाला विनंती केली आणि बाबांनी मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात केली. पण ह्या लक्ष विसरू नये आम्हा मार्गाच्या सेवकांनी. मी हिंदी बोलता बोलता मराठीवर आलो नाही, तो हा मुद्दा निघाला म्हणून मराठीवर आलो का. आता हिंदी मध्ये करू का? हा तो हमारा लक्ष्य ऐसा ही था जैसा बाबा ने कहा. हमारा लक्ष्य था तब औरों का लक्ष्य ऐसा ही था. यदि हमारा लक्ष्य आज भी यदि बदल जाए तो भगवान हमसे बिछड़ जाए. ये न ध्यान न रखें कि भगवान हमारा है. जो करता है उसी का है वो, जो करता नहीं उसका नहीं. ये न समझे कि हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं. नहीं, उसने इस धरती पर जन्म दिया, उसने बहुत बड़ा उपकार किया जो हम उसका उपकार फेर नहीं पाते. अबे भाग्य के नैनार जीवन मिला, ये हमारे भाग्य नर नारी जीवन मिला इस देश में. ये भाग्यवान लोग हैं. आज अपने कर्तव्य से अपनी स्वयं की मुक्ति करा सकते हैं. ये सब में शक्ति है और मैं देखता हूं कि सब में शक्ति है, क्योंकि सबको एक दिन तय हुआ है कि जाना है. ये न समझे कि हम अमर खाकर आ गए, हमें जीवित ही रहना है. नहीं, देखा देखो शोकेज में रखे तो नहीं चलेगा. तो ये जीवन की घड़ी ऐसी है कि अंत समय तक संघर्ष में जीवन है. कब क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा लक्ष्य है वो कम न हो. या दैवी शक्ति के प्रति जो श्रद्धा है और जो हमारा ईमान है वो हमसे कम न हो. यदि ईमान गए सब गए तो यदि ईमान गया तो मानव जीवन में कोई अर्थ नहीं रहा. ईमान गया, बेईमान बना, शैतान बना और को नोचने लगा, खाने लगा. तो ये समस्या हम पर थी, आप पर थी. जब अज्ञान थे और भावनाओं के वश में थे तब हमारे विचार ऐसे ही थे कि हम इसे खत्म कर दें. नहीं, लेकिन आज भगवान है तो हमें नहीं लगता हम किसी का जान ले ले, हमें नहीं लगता. लेकिन कोई कोई कहते हैं कि बाबा हमारा जान ले लो. तो मैं कोई शैतान हूं क्यों जी? नहीं, मैं व्यक्ति हूं और दैवी शक्ति को सामने रखता हूं और सबको उसका प्रकाश दिया हूं. जब ये प्रकाश मेरा आप लोगों ने देखा इसलिए बाबा के पास में आप लोग आए. तो इस बात को न भूलें. ठीक है, उस समय बाबा ने कहा, तत्व शब्द नियम दिया, उस नियम से चले. हमारे कष्ट दूर हो गए, अब हमारा जीवन लंबा है, इसलिए हम बेईमानी के तो कोई हरकत नहीं. लेकिन मुझे क्यों नहीं लगा कि बेईमानी करना चाहिए? मुझे भी लगना चाहिए था. मुझे क्यों नहीं लगा कि मैंने बेईमानी करना चाहिए? इसलिए नहीं लगा कि दैवी शक्ति सत्य है और यदि मैं बेईमान हूं तो दैवी शक्ति इतनी प्राप्त किया ये व्यर्थ चले जाएगी और मैं अधोगति चले जाऊंगा. मेरे आत्मा को गति नहीं मिलेगी, ये मुझे मालूम है. तो दैवी शक्ति प्राप्त इसलिए किया कि मुझे गति मिले, इसलिए मैंने दैवी शक्ति की प्राप्ति की.
और जो जी ढंग से मैंने की उसी ढंग से सेवकों को मार्गदर्शन किया और उसका मोह बदला कुछ भी नहीं लिया। यदि जहां बैठे आप लोग यदि इसके लिए कोई दिया भी होगा तो बाहर में बोर्ड पर नाम देखो कि तुम्हारा नाम चमक गया नहीं, ऐसा हमें पता लगा है कि हम जाने के पहले किसी जैन धर्म वालों का यहां पर ब्याह था, शादी थी। उन्होंने बोर्ड देखा कि 1001 दान देने वाले और इतना शानदार भवन बना, ऐसे कौन बाबा त्यागी है। वो देखते हैं कि ना दाढ़ी है ना जटा है, उन्हें लगा कि ऐसा साधारण व्यक्ति और इतना बड़ा कार्य कर सकता है। लेकिन बाबा ने ईमान जाहिर किया उसका एक प्रतीक है, भगवान ने जो हमने ईमान जाहिर किया उसका प्रतीक है ये जो आप लोग बैठे। और यही मैंने किया। अब सेवकों को करना क्या है ये आगे बताए। मैंने तो इतना मार्गदर्शन किया क्योंकि भगवान ने उस समय मुझे भी कहा और मुझे सामने कोई खड़ा होकर नहीं कहा, मेरी आत्मा से मुझे कहने लगा। हाँ, उस बात को 43 वर्ष हुए हो गए तो मैंने कहीं लिख कर नहीं रखा है, आत्मा पर लिखा हुआ है, कहां देह पर लिखा है। अब सेवकों ने कहां लिखा मुझे नहीं मालूम, किसी किताब पर लिख कर रखे गया कि इस मार्ग में सत्य मर्यादा प्रेम से चलना पड़ता है, क्या हाथ पर लिखकर रखा है, क्या आत्मा पर लिखकर रखा है, कहां लिखा है सेवक लोगों ने बताया मुझे, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों सेवक क्यों नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोलना तो चाहिए क्योंकि भगवान ने मुझसे जब कहा सेवक मैं भगवान तू मानव है, मैं जानता हूं मानव बेमानव में से तू मानव है, भले तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूं, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। ये प्रश्न मेरे दिल में घूमने लगा, बहुत घूमने लगा। भगवान ने मुझे बेईमान कहा, भगवान ने मुझे बेईमान कहा, जब जो दैवी शक्ति है वो मुझे बेईमान करती तो मेरे को सहारा देने वाला कौन, आप बोलिए कौन, आप लोग दोगे जब मैं मेरी आत्मा छोड़कर आत्मा निकल जाएगी, आप आओगे पकड़ने के लिए, कौन नहीं लो ओ कुमार बाबू बिल्कुल हाँ। तो ठीक है, हम जब बाबा के दिल में यही बसा कि भगवान ने मुझे बेईमान कहा, अब बेईमान का उत्तर क्या ये तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। अब ये मार्ग में तत्व शब्द में ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर सेवकों ने दिया है और वो कहां तक दिया मुझे नहीं मालूम। एक हफ्ते के लिए दिया कि दो महीने के लिए दिया कि दो साल के लिए दिया कि दस साल के लिए दिया कि बीस साल के लिए दिया कि जीवन के लिए दिया मुझे नहीं मालूम। वो तो हर आत्मा को मालूम है, हर मानव को मालूम है कि हमने वचन कहां तक दिया है, क्योंकि इस मार्ग में वचन देने वालों ने ही कहा कि मरे या जिए भगवत नाम पर, नहीं मर मिल जाऊंगा लेकिन भगवान तुझे दिया वचन वो नहीं तोड़ूंगा। नहीं क्या उत्तर क्या है सेवकों का, ऐसा है क्या कि इससे विरोध है, क्या है उत्तर,
कोई नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? कोई जवाब तो दो माइक पर। भगवान के सामने जो वचन दिया, बाबा के सामने जो वचन दिया, उसको जीवन भर निभाने का वचन देंगे और उसको निभाने का प्रयत्न करेंगे। तू अकेला ही कह रहा, सब कहाँ कह रहे? सब कह रहे क्या? तू अकेला कह रहा? मैं तो कह रहा हूँ बाबा। अरे अकेला का कौन मानेगा? इतनी सारी संगठना बाबा के पीछे और अकेला कहेगा नहीं? तो सबकी जिम्मेदारी तू ले रहा? सबकी जिम्मेदारी तो सबको ले रहा। तो जिसकी जिम्मेदारी उसे लेना है, तो सबने एक आवाज में कह रहा है कि हम ईमान ही तैयार करेंगे अपने जीवन भर। कहें सब लोगों ने एक साथ में कहना चाहिए बाबा के सामने कि हम बाबा को दिया हुआ वचन जीवन भर निभाएंगे। अरे मुंह बंद है क्या तुम्हारा? हसून राले है मार्गत आएगा हे नहीं बोलून राले म्हणजे हे हार वाटत माणसाला कश तर ठीक आहे या मार्गात जे जे लोक आले त्या लोकांनी आपलं ईमान जो भगवंताला दिला वचन दिला आहे त्याप्रमाणे जीवनात चालती काय ठीक आहे या वचनावरच बाबा प्रसन्न आहे इतकंच बोलून आम्ही दोन शब्द पूर्ण करू क्योंकि दैवी शक्ति है और ये घूमकर सत्य पर जाने वाला है क्योंकि सत्य त्रेतायु द्वापर युग और कलयुग हाल में चालू है और ये घूमकर सत्य पर जाएगा चाहे लाख करे चतुराई। हे मानव आप लाख चतुराई करो सत्य खड़ा हो गया है। जैसे सतयुग में वामन अवतार हुआ और बड़ी राजा जब अहंकार में आ गया उन्मस्त हो गया तब भगवान ने एक व्यक्ति तैयार किया उसका नाम था वामन अवतार और उन्होंने बड़ी राजा से कहा कि हे राजा हमें तीन कदम जगह चाहिए। राजा कहते ये क्या मांग रहा है मुझे? मेरा इतना बड़ा राष्ट्र है और ये तीन कदम जगह मांग रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है तीन कदम जगह मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब उसे लगा मेरे लिए तो कुछ भी नहीं तीन कदम जगह क्योंकि मैं राजा और इतना सारा राष्ट्र मेरा तो मेरे लिए क्या कम है तीन कदम जगह देना कोई कठिन बात नहीं। शब्द छोटा सा है सत्य मर्यादा प्रेम तीन ही कदम है। ये ना समझे इस मार्ग के लोग कि ये कदम और कोई है। ये कदम वही सतयुग के है जिस राजा बड़ी पू अहंकार में आ गया उन्मस्त हो गया तो भगवान को लगा कि ये तो उन्मस्त हो गया अब इसे नीचे दबाना चाहिए क्योंकि वो राजा अपने कर्म से दबा भगवान ने क्या किया। यदि राजा मानवता से व्यवहार करता तो ये समस्या उस पर नहीं आती। क्यों आई? कारण है। क्यों समस्या ही कारण है उसका और यही कारण है उन्मस्त हो गया वो। तो तीन ही कदम जगह मांगा उस युग में वामन अवतार हुआ। भगवान ने वामन एक व्यक्ति तैयार किया और भगवान उसके साथ में था और उसने पूरा घड़ा ही लिया। तो ठीक है वामन इतने बड़े पांव थे क्या वामन के जो एक कदम में पूरी पृथ्वी ढक दिया? एक कदम रखा तो पूरी पृथ्वी ढक दिया और दूसरा कदम रखा तो पूरा विश्व ढक दिया। अब कहता राजा ये तो बताओ कि तीसरा कदम कहां रखो?
तब राजा ने कहा, मुझे मालूम नहीं था आपकी इतनी बड़ी शक्ति है, मैंने समझा आपकी कोई छोटी सी शक्ति होगी, और मेरा इतना बड़ा राष्ट्र, मेरे को भी अहंकार था कि तीन कदम जगह कोई मेरे लिए बड़ी नहीं, लेकिन अब तो इतनी बड़ी हो गई तीन कदम जगह, अब उसे तीसरी कदम रखने के लिए जगह ही नहीं रही। उस समय राजा ने कहा, बोले तीसरी कदम के लिए जगह नहीं है, अब रहा मेरा सर, अब आप तीसरी कदम मेरे सर पे रखो, बोले। और जब सर पे रखा तो धरती फाड़ के पाताल में घुसा दिया। दैवी शक्ति की तुलना इस मार्ग में किसी ने कोई न करे, मेरी विनती है कि न करे, नहीं तो कठिन जीवन बिताओगे। मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन तो हो गया, अब मुझे कुछ मांगना नहीं, भीख मांगना नहीं। लेकिन इस मार्ग के लोग भगवान को छोड़कर न चले। जिन जिन लोगों ने अहंकार में आए उनका नाश हुआ इतिहास कहेगा, मैं नहीं कहूंगा, इतिहास कहेगा, मैं नहीं कहूंगा। इतिहास क्या कहता है, तो इस मार्ग में जो आए इनका भी इतिहास ही है। जब तुम्हें भगवान ही बहुत सारे मिले तो इस मार्ग में क्यों आए, देख लेना था कोई भगवान और। तो जब जो जो आए हैं उनके विचारों में शैतानिक कृत्य था। बाबा ने देखा है जो भी आए, नर नारी जो भी आए, उन्हें शैतानिक कृत्य था और शैतानी वास करता था, हर आत्मा में शैतान वास करता था, और उनको जो समस्या आती थी वो उनसे सुलझ नहीं पाती, नहीं सुलझा पाते थे। अब बाबा ने दैवी शक्ति को प्राप्त किया, जब बाबा ने देखा कि भगवान को शुद्ध विचार चाहिए, अशुद्ध विचार नहीं, भगवान को शुद्ध विचार चाहिए, और जो भी आते उनके अशुद्ध विचार। अभी इतना फर्क है, ये कैसे मिटेगा, बहुत बड़ा फर्क है, कहां आकाश और कहां धरती, इतना फर्क है। भलाई जीवित है नर नारी, भलाई जीवित है लेकिन अचेतन है, जिसे भगवान का परिचय नहीं, जिसे मालूम नहीं कि हमारी जवाबदारी क्या, जिन्हें मालूम नहीं कि हम कौन से कर्म करें। इसलिए लोग कहते थे कि तुम्हारे बीच शैतान लगा और शैतानी प्रवृत्ति तैयार हुई और शैतान को निकालने गए, शैतान नहीं निकले, खुद ही खो गए भगवान रूप में। जो जो शैतान निकाल रहे हैं वो शैतान नहीं बने, वो भगवान रूप में विलीन हो गए, इसलिए शांति मिली। अब यदि भगवान को छोड़कर कोई बाहर जाना चाहे, जाए, मुझे कुछ भी कहना नहीं, एकदम जाए, क्योंकि मेरा स्वार्थ नहीं, मेरी निष्काम सेवा, और भगवान को मैंने जो ईमान लिया उस वो ईमान तो मैंने पूरा पूरा जाग लिया, और जाग गया हूं, और जीवन जब तक जी में जी है तब तक मैं जागते रहूंगा, क्योंकि घड़ी हुई है जब हम भगवान की विनती किए, और उसके पहले जो समस्या थी जीवन में वही घड़ी है, ये घड़ी तैयार बनाने में बहुत मन को मारना पड़ेगा, मन को हाथ में रखना पड़ेगा, मन पे ताला रखना पड़ेगा, तब कोई सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा, नहीं होगा। तो हमने प्रेरणा इन्हीं तीन शब्दों में दी है। जिस समय पहले शुरू में जब बाबा ने फोटो दिया, तब गंगाराम रंभार करके था, उसे पहले फोटो दिया। जब भगवान के ऊपर दृष्टि जिसकी होती है, भगवान की दृष्टि उस पर होती है, वो व्यक्ति पर होती है। यदि जिसकी प्रवृत्ति भगवान के प्रति होती, भगवान की प्रवृत्ति उसके प्रति होती, ऐसे संबंध है।
इन संबंधों को हम तोड़ते अपने कर्मों से। भगवान कोई जिम्मेदार नहीं, भगवान को दोष देना गलत है, किसी व्यक्ति को दोष देना गलत है, अपने कर्मों को दोष देना है महत्व की बात है, चाहे कोई भी नर नारी हो। उस समय गंगा राम जी ने कहा, उनका सोनार गुरु जी था, एक सोनार था वो गुरु था, उनको मंत्र दिया था और इनके आंग में शैतान आता तो वो नहीं निकलता था। ये देवी की भक्ति करते थे, बांग्लादेश में देवी है वहां जाकर पलटिया या रात के 2 बजे जाकर भक्ति करते। पहला सेवक इस मार्ग का, उसने कहा मुझसे, भाई गुरु जी है देखो बैठे छप्पर में, लेकिन मेरे मन में जो शैतान वो निकलता ही नहीं, तो संसार में भगवान नहीं है। क्योंकि इस मार्ग पर आने के पहले जो अज्ञानता थी, अब इस मार्ग पर आने के बाद वो अज्ञानता नहीं रही। यदि कोई बोलेगा कि हमारी गलतियों में माफ कर दो, माफ नहीं होगा, क्योंकि भगवान है वो है। मैंने मेरे नाम की जोत नहीं जलवाई, किसी सेवक मेरे नाम की जोत नहीं जलवाई, किसी सेवक से मेरे नाम की जोत जलाओ ये नहीं कहा मैंने। मैंने भगवान के नाम की जोत जलाने के लिए कहा और उन्होंने बाबा के शब्द पर अमल किया और भगवान ने उन्हें शांति दिया। उस समय उन्होंने कहा चलो बोले हमारे छप्पर में, मेरे अंग में शैतान आता देख लो बोले आप, तू क्या बताएगा मैंने, मैंने देखा हूं आत्मा में भगवान। ठीक है गया बैठा सामने जोत जला है, दोनों आंख से पानी टपकने लगा, शरीर की धार चालू हो गई, कुछ नहीं बोल पाया शरीर की धार पर। अब भगवान को लगा यही सेवक है जो भगवान को शांति दे सकता, यही सेवक है उसके आंग में उसे लगता है कि शैतान है, लेकिन उसे लगता है कि ये मुझे जानता है भगवान हूं मैं और ये मूर्ख मुझे शैतान कहता है। तो उसे जब शांति मिली तब आंख से पानी डालने लगा कि शांत, उस दिन से उसके आंग में शैतान नहीं आया। तो शैतान कौन था, वो कौन था, भगवान था। अब ये नारी दुनिया बाबा ने त्याग से इनको हाथ में ले लिया, त्याग से लिया, इसलिए इस मार्ग के सेवक अनर्थ न करें, क्योंकि गाठ तो भगवान से ही होगी। हम आज है कल नहीं, हम कब तक किसी के जीवन में साथ देंगे, कोई किसी को साथ नहीं देगा। आखिर पेरेंट तो ही भगवान ही तुम्हें साथ देगा, यदि भगवान को छोड़कर जाओगे तो कहीं ठिकान नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ठिकान, क्योंकि इसका उदाहरण है हमारे पूर्वज थे, वो यादव महाराज के शिष्य थे। जब यादव महाराज मुक्त हो गए उस समय 6 महीने वहीं पर गिरे हुए थे। उन्होंने सोचा मैं गुरु, मैं यादव महाराज, मैं गुरु, 6 महीने हो गए तब भी मुझे मुक्ति नहीं, विनकर समाज में कृष्ण का अवतार हुआ कोलबा जी महाराज ये लोग कहते हैं। अब जब मुक्ति मिली नहीं तो वो कृष्ण जी कहां गए, अरे पाया और खोया,
हे मानव तूने पाया और खोया, इसलिए तू जिम्मेदार है और कोई नहीं। कौन जिम्मेदार? पाने वाला ही खोएगा और खोने वाला पाएगा और पाने वाला खोएगा, कहीं कहीं तो भी रोलिंग घूमते रहेगा, नहीं घूमते रहेगा, चक्र घूमते ही रहेगा। तो ठीक है, मेरा डिसीजन है, मेरा निर्णय है कि मैं जीवन में भगवान नहीं छोड़ूंगा, चाहे मर मिट जाऊंगा, ये मेरा डिसीजन है। और भगवान जहां जहां तू दिखेगा वहां मैं प्रेमयी करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ा भाग्य है कि जीवन मिला। अब मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे दर्द ठोकर खानी नहीं या लख चौरासी भोगना नहीं, क्योंकि लख चौरासी भोग है, चाहे वो संत हो या मंत हो, जहां मोह माया अहंकार है वहां भोग है। और बाबा त्यागी इसलिए भोग नहीं, इसलिए मुक्ति है। बाबा त्यागी है भोगी नहीं, इसलिए जो मुक्ति है वो भोगने के अधिकारी है, जहां मुक्ति है वो भोगने के बाबा अधिकारी है, ये धन को भोगने के अधिकारी नहीं। धन नहीं भोगता, मैं क्या भोगने आया हूं, मैं भगवान के पास मुक्ति मांगने आया हूं, इसलिए भगवान की हर आत्मा में सेवा करता हूं और भगवान को प्रसन्न रखता हूं कि भगवान मुझे मुक्त कर, एक समय तो जाना है, एक समय मुझे छोड़ना है, मुझे मुक्त कर। यदि तूने अपने पास नहीं अपनाया तो मैं कहां कहां घूमते रहूंगा, लख चौरासी घूमने के बाद भी कर्म भोग में आकर गिर जाऊंगा। लेकिन आज तो मुझे लगता है, आज ये लगता है मुझे, भगवान में हम विलीन हो गए, मुक्ति के बाद भगवान में विलीन हो गए, जैसे हमारे पीछे के लोग भगवान में विलीन हो गए, वैसे हम भी भगवान में विलीन हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। हम यादव महाराज जैसे पड़े थे वैसे नहीं पड़े रहेंगे, जानते समाज के लोग यादव महाराज को जानते, क्योंकि हमने देखा है उन्हें। तो वहां पर जब मुक्त हुए नहीं और पड़े थे छह महीने से, तब किसी ने उनका एक सामर्थ्य था, इसलिए किसी ने कहा उनसे कि महाराज कब तक पड़े रहोगे, ऐसी मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे गुरु महाराज, अब मुक्ति नहीं मिलेगी, कितनी बड़ी सोचने की बात है आप लोगों के लिए। समझो कि बाबा क्या कह रहे हैं, जानते ही समाज के लोग कि यादव महाराज कौन थे। और उनकी खिस्सा ऐसी है, उन्हें किसी ने बताया कि महाराज आप ऐसे पड़े हो, छह महीने हो गए, आपको ऐसी मुक्ति नहीं मिलेगी, तो मुझे क्या करना होगा। गुरु महाराज कहते, किसी से कहते कि मुझे क्या करना होगा। बोले नागपुर में टीम की में बाबा जमदेव जी है और वो सही त्यागी है, उनके दर्शन करोगे तो मुक्त हो जाओगे। किसी ने कहा उनके दर्शन से मुक्त हो जाओगे, किसी ने उनसे कहा। इसलिए हमारे भाभी के ख्वाब में आए ख्वाब, अब वो उसे पहचानती थी, मैं भी जानता था यादव महाराज समाज के बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। लेकिन घटना देखो तो इस मार्ग के लोगों को बहुत बड़ा समझने की मौका है कि इस मार्ग के लोग समझे। मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं, समझेगा वही उमझेगा। नहीं तो व्यर्थ जीवन जाएगा, कोई अर्थ नहीं लगेगा, जैसे यादव महाराज को अर्थ नहीं लगा। ये भगवान ने जो घटना हमारे सामने लाई है वो कुछ सिखाने के लिए लाई,
समय के अनुसार हम मार्गदर्शन करते हैं। तो यादव महाराज हमारे भाभी के ख्वाब में आए और वो कहने लगे, अब हमारी भाभी उन्हें जानती थी, भाई गुरु महाराज आए, पांव धोने के लिए पानी दिया ख्वाब में और बिछायत किए, जहां उनको बिछाया, आओ आओ बैठो। उन्होंने कहा कि मैं बैठने के लिए नहीं आया। तो कैसे आए? किसी ने मुझे भेजा है कि टीम के में बाबा जमदेव जी है, वहां जाओ आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बोले, आपके परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहुत बड़ा त्यागी है? तो बोले, है हमारा देवर है। बोले, वो सही त्यागी है? बोले, हाँ एक ही भगवान को मानते और त्यागी है। बोले, तो उन्हीं का नाम बताया। बोले कि वही मुझे मुक्त कर सकते हैं। कौन कहता है? यादव महाराज। जरा गरीबदास इसका गीत बनाओ, आप इसका गीत बनाओ। यादव महाराज को किसने मुक्ति दिया? और यदि कोई शिष्य में शक्ति है तो जा भगवान से पूछे कहना, उनके शिष्यों में यदि शक्ति है तो भगवान से जाकर पूछे। तो हमें, हमारा उद्देश्य है इस मार्ग के लोगों को हम जगाए, एक ही उद्देश्य है मेरा। बार बार जगाऊंगा जब तक जी में जीवे, कोई जागे या ना जागे, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मेरे शब्द खाली जाएंगे तो भगवान उसे भर के निकाल देगा, शब्द भी खाली नहीं जाएंगे, उसका फॉल्ट कहीं न कहीं उमटेगा। इतनी सादी बात नहीं, त्यागी व्यक्ति के शब्द खाली जाना, खाली जाना। इस देश में नवनाथ में जालंधर नाथ महाराज हो गए, उनके सर के ऊपर से मोड़ी चलती थी, इतिहास कहता, मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं। सर के ऊपर चलती, इसलिए राजा गोपीचंद की मां ने देखा कि बहुत बड़े त्यागी है जिनके सर के ऊपर एक लकड़ी की मोड़ी चलती है। सर के ऊपर नहीं, सर के ऊपर से चलती है। तो बाबा के सर के ऊपर क्या चलता है? नहीं, क्या चलता है? क्या देखा है आप लोगों ने? शैतान चलता है कि भगवान? नहीं, आप लोगों ने क्या देखा है? क्या चलता है मेरे सर के ऊपर? और भगवान ही मैं चलाता हूं। क्या चलाता हूं मैं? भगवान को ही चलाता हूं। मेरे सर के ऊपर से चलता है, भगवान ही चलता है। और जब भी मेरे सामने सेवक बैठते, मैं भगवान को ही चलाता हूं, मैं औरों को नहीं चलाता। एक दृष्टांत देता हूं, लेकिन चलाता हूं भगवान को। और वो जब तक जी में जी तो वो चलते ही रहेगा मेरे साथ। अब आप लोगों के साथ में चलता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, आप बताओ ना, चलता है या नहीं? देखो आवाज नहीं निकलते, कैसा कहूं मैं? पार बाबू, मैं कैसे कहूं कि इनके साथ में चलता है वो? बड़ी अच्छी बात है जब गवाही देते हो मुझे कि हमारे साथ भगवान चलता है, तो बड़ी अच्छी बात है, आपके भाग्य की बात है, इतनी छोटी बात नहीं है। मैं जानता हूं इस बात को, जब भगवान को प्राप्ति किया तो मजाक नहीं किया, किसी गरीब की मजाक नहीं किया। लेकिन अब आए लोग मजाक करने इस मार्ग पे, मजाक नहीं करना है मानव, बाबा की मजाक नहीं करना। बाबा बहुत बड़े त्यागी है,
और भगवान के साथ में लेकर चलने वाले हैं और मानवता को अच्छी राय बताने वाले बाबा है। बाबा की मजाक नहीं करना, चाहे कोई भी सेवक हो। तो राजा गोपीचंद की मां ने कहा, एक चपरासी से कि उस महात्मा को बुला कर लाओ। उन्होंने राजमहल में बुलाया उस महात्मा को, उनका नाम था जालंधरनाथ महाराज। उन्हें बुलाया उन्होंने और उनके शरण गई और कहने लगी कि महात्मा जी, मुझे आप गुरु मंत्र दो। उन्होंने वहां मुक्काम किया, उसे गुरु मंत्र दिया। तो प्रथा थी कान में मंत्र देने की नहीं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि गुरु महाराज आए वो पर्दा लगाए कान में मंत्र देते थे, नहीं? और मैंने किसी के कान में मंत्र नहीं दिया, मेरा तो भगवान ओपन है, नहीं? कोई भी पकड़ ले, नहीं? ऐसा ओपन है। तो उस समय उन्होंने मंत्र दिया, अब उनकी बहुत सारी राजा गोपीचंद की पत्नियां थी, बहुत सारी थी। इतिहास कहता मैं देखा नहीं, लेकिन सुना हूं, इतिहास में लिखा है, मैंने सुना हूं और इसलिए आपके सामने वो गा रहा हूं। उस समय किसी भाई ने राजा गोपीचंद को कहा कि तुम्हारी मां ऐसी और वैसी, ये तो नॉर्मल भाषा ही, देश की कोई नई भाषा नहीं, बहुत पुरानी भाषा, नहीं? ऐसी और वैसी कहने की बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन शायद अब इस मार्ग पर बदल गए लोग, ये भाषा नहीं कहते। तो राजा गोपीचंद को पावर चल गया कि मेरी मां ऐसी और वैसी, कौन है वो गुरुजी? अब वो तपस्वी बैठे, ध्यानस्थ बैठे, डाल दिया कुएं में। लेकिन इतिहास कहेगा नवनाथ का इतिहास में आपको दिखेगा। तो उन्होंने उन्हें लीड में डाल दिया। अब इधर उनका कालीन प्लान एक शिष्य था और उस समय मच्छिन्द्रनाथ थे, यानी एक जोड़ी के दो थे, एक जालंधरनाथ और एक मच्छिन्द्रनाथ, और उनके शिष्य कालीपनाथ और गोरखनाथ, ये दोनों के दो शिष्य थे। ये चलते चलते रास्ते में दोनों की गाड़ गिरी। जब दोनों की गाड़ गिरी, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करने लगे, ये तोल रहा उसकी शक्ति और वो तोल रहा इसकी शक्ति। मच्छिन्द्रनाथ ने गोरखनाथ ने कहा, आपका नाम क्या है? बोले कानिपनाथ है। आप किसके शिष्य हो? मैं जालंधरनाथ महाराज का शिष्य। आप कौन हो? बोले तुम्हें गोरखनाथ हूं। आप किसके शिष्य हो? तुम्हें मच्छिन्द्रनाथ का हूं। बोले मेरे गुरु जी मच्छिन्द्रनाथ है। अरे वो गुरु, बोले तेरा श्री राज्य में पड़ा है, उसको परिचय दिया कि तेरा गुरु वहां सर रहा। क्या कहता है? वहां सर रहा स्त्री राज्य में। अब उस पर भारी है, उसने सुन लिया, फिर उसने इसके गुरु की निकाला। एक दूसरे के गुरु की निकालना सो की बात है, नहीं? लेकिन शिष्यों में शक्ति थी कि उन्होंने अपने गुरु को छुड़ाया, उनमें शक्ति।
उस समय बोले झाड़ को आम लगे ये नीचे उतार दे बोले। कानिपनाथ कहता गोरखनाथ को ये नीचे उतार दे, उसने अंगारा मारा नीचे उतर ले। इस मार्ग में तो अंगारा मार तो शैतान को उतार देते नहीं, अब उस मार्ग से और इस मार्ग से फर्क क्या है, सांप का जहर उतार देते नहीं, क्या उतारते, सांप का जहर उतारते। अभी कल ही एक परिवार आया था तारसा से, उस भाई को यहां सांप ने काटा, सात बार उसे ये आई डांट आई जिसे कहते हैं, और सेवकों ने तीरथ दिया और गुरु जी ने भगवान से विनती की कि अब डांट बंद करो, अब नहीं डांट आने को ना बाबा, और तीरथ दिया वो डांट बंद हो। तो भगवान सेवक की मानता नहीं, लेकिन सेवक की बाई नहीं मानती हो। ये इतिहास है, पारिवारिक इतिहास है, नहीं हो सकता है सब में कम ज्यादा होगा, कम होगा कहीं ज्यादा होगा, हर परिवार में है मुझे लगता है। एक तो दूसरे हेवी है ही, सभी में मैं हूं नहीं, लेकिन बाबा में वो है मैं नहीं वो, और सब में मैं, तो मैं ये नष्ट होने वाली, मैं ये नाश पाने वाली वस्तु, और वो है इसलिए मुझे शुद्धिकरण है और मैं मानवता से कर्म करूंगा, ये विचार है। तो ऐसी वैचारिक क्रांति इस मार्ग पे है। तो आम गिरा दिया और दूसरे शिष्य ने उन्होंने कहा ठीक है आपने सवाल किया मैंने गिरा दिया, अब लगा भी दो तुम लगा दो आम को ऊपर चढ़ा दो। इसने लिया फूंक मारा आम को लगा दिया, जाने के बाद लग गए। तो इस मार्ग की संस्कृति ऐसी है, नवनाथ से कोई कम नहीं है, ये ना समझे इस मार्ग के लोग कि नवनाथ से कम है। अरे सन्यासी थे हम तो गृहस्थी है, ये बहुत बड़ा फर्क है, वो सन्यासी थे हम गृहस्थी है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है। यौ तो शैतान को उतार देता है नहीं, यौ तो सांप का जहर उतार दे, ये कोई कम है क्या? तो समझे इस मार्ग के लोग। हो गया दोनों के सवाल पूरे हो गए, वो गए अपने गुरु को ढूंढने, ये गए अपने गुरु को ढूंढने, और राजा गोपीचंद के दरबार में गया और इसने कहा अब अपने ध्यान में भलता ही पावर है कर्मचारी को, क्यों गुरु के प्रति भलता ही पावर है, ये भी देखा है तो इतिहास कहता है, इसके प्राचित्य क्या? मैं नहीं कहता इतिहास, मैं इसलिए सामने रखता हूं कि देख ले नवनाथ शास्त्र देख ले और फिर बाबा से बात करे। तो उस समय राजा गोपीचंद की मां आ गई और वो कहती गुरु भाई ऐसा मत करो, मेरा एक ही एक बच्चा ऐसा मत करो, कुछ मार्ग निकालो। कानिपनाथ से कहने लगी, नहीं बोले आपके गुरु मेरे भी गुरु है, बोले मैंने उनका मंत्र स्वीकारा हूं, किसी कारण उन्हें लीड में डाल दिया होगा,
लेकिन मेरा एक ही एक बच्चा है, उसे संभाल लो, बोले आप, और इसकी भी सुटका करो और उसकी भी सुटका करो। कहा है बोले राजा गोपीचंद, बुलाओ बोले उसे। अष्ट धातु के 8 पुतले करवाओ बोले। मेरे गुरु की अंतकरण से आवाज निकलेगी, जल के भस्म हो जाएगा वो। अब वो गुरु बड़े तेजस्वी थे, मैं बहुत शांत हूं क्योंकि बाबा हो, एक साधारण मानव हूं मैं, बहुत बड़ा तपस्वी नहीं और बहुत बड़ा जटाधारी नहीं, और खूब अपने आप को महात्मा नहीं समझता, लेकिन मर के भगवान को अधिकार दिया हूं, वो उसका निर्णय वो लेगा, मैं नहीं लूंगा, भगवान निर्णय लेगा। न्याय अन्याय का लेखा जोखा भगवान ही रखता है, तुम मूर्ख नहीं रख सकते। और बाबा ने भगवान को देखा, इसलिए लेखा जोखा बाबा के पास है। अज्ञानता मत बढ़ाओ और मानवता को जगाओ। बाबा का आह्वान है, तो राजा गोपीचंद ने कानीपनाथ के कहने पर सारी तैयारी करवाई। जहां लीद में गिरे थे गुरुजी, एक कुआं था और कुएं में लीद पड़ी थी घोड़े की, और वहां उसे डाल दिए थे। जैसा बाबा का आदेश वैसा उस समय उन जालंधर महाराज का आदेश रहता था, और शिष्य आदेश मांगता था और गुरु आदेश देता था, शिष्य आदेश मांगता था और गुरु आदेश देता था। ये घड़ामोड़ी थी उस समय, ऐसा ही होता था। और इस मार्ग में भी आदेश क्या है, वेळोवेळी बाबाच्या आदेशाचं पालन करू, हे कोणी म्हटलं आहे हो? आठवते तुम्हाला? सेवकांना आठवते का हे कोणी म्हटलं आहे? सेवकांनी म्हटलं आहे का? वेळोवेळी आदेशाचे पालन करू असं म्हटलं आहे का? जेवण करून आले, खूप भूक लागली का? अरे खूपच भूक लागली आहे ना का? आणून द्या ना काही असेल तर। आम्हाला इतकं जोरानं ओरडावं लागते, हे ओरडतच नाही बेटे इतकी, यांना कशी भूक लागली माहित नाही का? नीलकंठ का हसून आले? आता येऊन गेला पोटात? त्यावेळेस कानिपनाथ म्हणते राजा गोपीचंद की, राजा पुतले बनकर तयार हो गए और तुम एक एक पुतले के पीछे छुपना, उन्होंने समझा दिया। और बाद में उन्होंने कहा, गुरुजी आपका कानीपनाथ हाजिर है, आपका आदेश चाहता हूं मैं आपका आदेश चाहता हूं। शिष्य कहते, गुरुजी आपका आदेश। बोले कहां? बोले राजा गोपीचंद, जल के भस्म हो जाओ,
एक पुतला खार से जल गया, एक पुतला जल गया खार से जल गया। ऐसे करके आठ ही पुतले जल गए और नवे समय जब कानीपनाथ ने कहा कि गुरुजी आपका कानीपनाथ आपको बुला रहे हैं, गुरुजी आदेश, बोले राजा गोपीचंद जीवित है? तो बोले हाँ जीवित है। आप ऊपर आओ, बोले तो ऊपर आए। ऊपर आने के बाद ने आदेश किया कि राजा गोपीचंद जोगी बन जाओ, भीख मांग कर रहा हूं मैं। राजा होकर भिखारी बना, किसके आदेश पर? गुरु का आदेश। और इस मार्ग में भगवान है और सेवक है, बाबा का आदेश है। आप कौन सा आदेश मांगना चाहते हो? न जाने कैसे अज्ञान लोग कुछ भी कर बैठे, अज्ञान लोग है कुछ भी कर बैठे। लेकिन सेवक ही सेवक को छुड़ाता है, नहीं? हमने देखा है सेवक ही सेवक को छुड़ाता है, ये मैंने देखा हूं। सेवक उसको लेकर आता और बाबा से विनती करता है, बाबा इसकी गलती हो गई अब इसे माफ कर दो, बाबा माफ करते हैं और सेवक छुड़ा लेता उसे, नहीं? तो कितनी बड़ी दया होती है, जहां भगवान होता वहां दया क्षमा शांति होती है, जहां दैवी शक्ति वहां दया क्षमा शांति है।